जी सलाम वालेकुम, मेरी आवाज आ रही है? हेलो, रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। क्या मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है? यस सर। ठीक है। अच्छा, और वो दूसरी क्या है? अच्छा, और वो दूसरी क्या है? सर वो हमारे साथ ही ले रही है क्लास। साथ ही? अच्छा, एक ही साथ बैठे हो? जी। जी ठीक है, बस बोलो यार। मेरी आवाज लौट के आ रही है, तो अगर पुलिस आगे चल रहे हो सारे अच्छा जी। अच्छा लास्ट क्लास में हमने जो है ना वो डिस्कस कर लिया था। लास्ट क्लास में हमने एक होमवर्क दिया 2013 और 2010 का सवाल नंबर 5। इसके बाद मैंने एक सवाल और होमवर्क दिया था, मुनीर नदवी वजीर वाला। ऐसा है? ठीक यस। है। अच्छा, इसके बाद एक सवाल था जिसके अंदर मैं के रिक्वायरमेंट 2 मैं करवाऊंगा इसकी ना। ये था 2014 रेगुलर के सवाल नंबर 4। जरा ये निकाल लो, ठीक है, ये सवाल निकाल लो, 2014 रेगुलर का सवाल नंबर 4 जल्दी जल्दी निकाल। ठीक आज जो हम लोग स्टार्ट पकड़ेंगे ना, तो वो है 2014 रेगुलर सवाल नंबर 4 से। सवाल नंबर 4 से जी। ये सवाल होगा मिस्टर ए एंड मिस्टर बी वाला। तो यार बताएगा सवाल नंबर सवाल चार। 14 रेगुलर। यस सर। ये सवाल निकाल के जरा शेयर करो व्हाट्सएप के ऊपर। भेजो यस सर, भेज रहे हैं। भेजो। ये वाला आज रात तक पहुंच जाएगा इंशाल्लाह। दवाई आ नहीं सर, आ रहा है। इंशाल्लाह इतना एक दिन आ जाएगा। सर ग्रुप सर पे भेज भेज दिया। दिया। आ गया। अच्छा जी, तो ये है सवाल।
लोगों का सवाल है, ये देखो साधु अच्छा नजर आ रहा सवाल यहाँ से? Yes, sir. पूरा क्लियर है? अच्छा देखो मैं सवाल रीड करता हूँ, इस सवाल की बेसिकली मुझे करवाने रिक्वायरमेंट नंबर 2 है, लेकिन इस चक्कर में पूरा सवाल दोबारा सॉल्व कर लेते हैं, मसले वाली बात नहीं है, ठीक है? अच्छा देखो कहते हैं जनाब मिस्टर ए एंड मिस्टर बी फॉर्मड अ पार्टनरशिप। फॉर्मड अ पार्टनरशिप के लफ्ज से तुम्हें पता चल जाना चाहिए कि पार्टनरशिप फॉर्मेशन का सवाल है, अगर सवाल में लिख के ना दे एग्जाम में बार बार ऐसा होता है वो डेफिनेशन फॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूशन की हेडिंग डाल के देता है, अगर सवाल में ना भी लिखा हो रिक्वायरमेंट भी इस तरह की तुम्हें जो है ना वो लग रही हो कि भाई इस सवाल को एडिशन सॉल्व करना है तो तुम उसकी अंग्रेजी पढ़ के सीख जाओगे। देखो फॉर्म का लिखा हुआ इसका मतलब क्या है कि पार्टनरशिप फॉर्मेशन का सवाल है। डन, आगे बढ़ो। आगे आता है ऑन सितंबर 1, 2013। ऑन सितंबर 1, 2013 ये इररिलेवेंट डेट है, वैसे कोई इसके काम की नहीं है, लेकिन चलो फिर भी देख लेते हैं। विद कैपिटल ऑफ 80,000 एंड 90,000 रिस्पेक्टिवली, ये क्या है? ये इनके ओपनिंग कैपिटल है, ये ओपनिंग कैपिटल है, क्या करना है? कुछ भी नहीं करना, अभी काम आ जाएगा तो बता देंगे, रिक्वायरमेंट नंबर 2 में काम आएगा। ओपनिंग कैपिटल है, ओपनिंग कैपिटल से मुराद क्या होता है? ओपनिंग कैपिटल ये होता है जनाब कि जब 1 सितंबर को उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया ना, तो 80,000 रुपए ने ए ने अपनी जेब से लगाए और 90,000 रुपए बी ने अपनी जेब से बिजनेस के अंदर लगाए। डन। अच्छा आगे बोलते हैं दे एग्री टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 1:2। अच्छा ये रेशियो लिख के दिया हुआ है, पिछले सवाल में लिख के दिया था? नहीं, पिछले सवाल में लिख के नहीं दिया था, हमने ऊपर बात की थी कि कभी कभार जो है ना तुमसे कहेगा ये जो पार्टनरशिप शेयरिंग रेशियो होता है ना, या तो ये इक्वल बांटते हैं या तो एज पर एग्रीड रेशियो बांटते हैं। आज हम एज पर एग्रीड रेशियो के ऊपर बात कर रहे हैं, और कैपिटल रेशियो के ऊपर फिर कभी बात हो जाएगी। अच्छा तो एज पर एग्रीड रेशियो क्या होता है, ये मैं तुम्हें दिखा दिया अभी सवाल में, ताता था कि 1:2 लिखा हुआ है। डन। अच्छा बढ़ो आगे। अब कह रहे द पार्टनरशिप एग्रीमेंट स्टेट्स, पार्टनरशिप के एग्रीमेंट में ये लिखा हुआ है जनाब कि द सैलरी इज टू बी पेड मिस्टर ए 3,000 रुपए पर मंथ। अब देखो लास्ट क्वेश्चन में ना उसने ना तुम्हें पॉइंट्स में जो है ना डेटा दिया हुआ था ए बी सी डी इस तरह से, अब इसने एक पैराग्राफ दे दिया, अब तुम्हें इस पैराग्राफ को एक्सट्रैक्ट करके ना एक एक पॉइंट बनाना पड़ेगा। देखो पहला पॉइंट तो ये है कि ए को सैलरी मिल रही है पर मंथ, तो नंबर 1 पॉइंट तो हमारे पास ही हो गया। एंड टू मिस्टर बी 2,500 पर मंथ। अच्छा अब ये पर मंथ का क्या करना है, लास्ट सवाल में तो हमारे पास एनुअल सैलरी थी। अब देखो एयर एंड क्या है सवाल का एयर एंड तुम्हें कहीं ना कहीं लिख के देगा, लाजमी लिख के देगा। अगर नहीं दिया हुआ एयर एंड लिख के, तो इन द एब्सेंस ऑफ एनी इन्फॉर्मेशन हम अज्यूम करेंगे जनाब कि एयर एंड क्या है, दिसंबर 31 है, ठीक है ना? एयर एंड क्या है, दिसंबर 31 है। अब देख लेते हैं भाई इसके अंदर हमें किस तरह से काम करना है। अच्छा अब आ जाओ, अब आगे जनाब कहता है कि इंटरेस्ट इज पेड ऑन देयर कैपिटल 6% पर एनम, पुरानी एडजस्टमेंट है, हम डिस्कस कर चुके हैं इसमें से महीनों गेम में, इसलिए सवाल ज्यादा अच्छा है। बोनस दिया जाएगा 5,600 का, क्या यहाँ पे पर मंथ लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब वन टाइम बोनस है, देन वन टाइम पेमेंट है। और जो टोटल प्रॉफिट बचेगा वो है दिसंबर 31 का, हमारे पास आ रहा है तकरीबन 1,000 रुपए। अच्छा ये नुकसान तो नहीं जाएंगे कहीं, 1,000 रुपए तो प्रॉफिट है, इतनी सारी बांटने को दिली चीजें इसने, कहाँ से देंगे? लॉस में जाएंगे, लॉस में जाएंगे और क्या, कोई बस वाली बात नहीं है। अच्छा जी और बोलते जनाब मिस्टर ए एंड मिस्टर बी ने विड्रॉ करा है कैश फॉर देयर पर्सनल यूज 1,000 रुपए एंड 2,000 रुपए, ये क्या है यार? जरा मुझे इस लाइन का मतलब तुम दोनों में से कोई भी अच्छी बच्ची समझा दो। सर ये पर्सनल यूज है, ड्राइंग घर के पास। बहुत आला जबरदस्त। अच्छा अब अपने रजिस्टर पे जाओ और जो है एक जुमला लिखो, एक सोने की बात लिखो, एक अच्छी बात लिखो, वो लिखो कि ड्राइंग कभी भी इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी में नहीं जाती, क्योंकि ड्राइंग जो है ना वो प्रॉफिट की डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, ड्राइंग तो विड्रॉल है कैपिटल इन्वेस्टेड का फॉर पर्सनल यूज। कैपिटल इन्वेस्टमेंट क्या होती है? मिसाल के तौर पे कि मैंने आज बिजनेस स्टार्ट किया 1,00,000 रुपए से और फर्नीचर लगाए 2,00,000 के, तो 3,00,000 मेरी क्या है, इन्वेस्टमेंट है, 2,00,000 के फर्नीचर पड़ा हुआ है और 1,00,000 कैश है,
मेरे पास घर से कॉल आती है, भाई 50,000 रुपए की अशद जरूरत है, एटीएम सारे बंद है, सारे डाउन है, क्या करूंगा मैं, क्या करूंगा मैं, दराज खोलूंगा, ये मैंने दराज खोली, ये मैंने 50,000 रुपए निकाले ठक 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 करके और ये मैं ले गया करके अपने, सही है। तो ये क्या कहलाएगी ड्रॉइंग? ड्रॉइंग की डेफिनेशन क्या है? विड्रॉवल ऑफ कैश या एनी अदर थिंग, मतलब विड्रॉवल किसी भी चीज का फ्रॉम इट्स इन्वेस्टमेंट, जो उसने इन्वेस्ट किया वो अपने पर्सनल यूज के लिए निकाल के दे जाए, तो वो ड्रॉइंग होती है। अच्छा, ये बात तो हमने डिस्कस कर ली। अच्छा, अब देखो सवाल के अंदर पहली रिक्वायरमेंट में आपसे कहता है कि प्रिपेयर इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी, ये क्या होती है, हम बनाते हुए आ रहे थे टाइम से, वही तो होती है। अच्छा, फिर कहता है कि सेट अप टी अकाउंट्स फॉर पार्टनर करंट अकाउंट, ओके करंट अकाउंट, आवाज आ रही है ना मेरी? Yes. करंट अकाउंट, मुझे बताओ करंट अकाउंट की बात कर रहे हैं तो मतलब कौन सा कैपिटल कॉन्सेप्ट है? फ्लक्चुएटिंग, जबरदस्त, डन। अच्छा, अब फ्लक्चुएटिंग का हमें करना क्या है, कुछ करना है नहीं करना, करंट अकाउंट को लिख के दे दिया तो सारा का सारा पैसा कहाँ जाएगा? करंट अकाउंट में जाएगा, सीधी सीधी बात है, स्ट्रेट गेम है, कोई मसला नहीं है, डन। अच्छा, अब आओ सवाल को हम करते हैं जनाब सॉल्व करते हैं, सॉल्व। ओके, तो रिक्वायरमेंट वन, बिजनेस का कोई नाम नाम पता है, मिस्टर ए एंड मिस्टर बी, चलो भाई मिस्टर ए एंड मिस्टर बी के नाम कंफर्म कर लेते हैं, मिस्टर ए एंड मिस्टर बी फॉर्म इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी, कब की बनानी है? दिसंबर 31 ईयर एंड जूम कर लो, और कहीं लिखा हुआ नहीं है, लेकिन देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है फॉर द पीरियड एंडेड 31 दिसंबर 2013। इसका मतलब हमें जितनी सैलरी बांटनी है वो दिसंबर 31 तक की बांटनी है, और कब से कब तक बांटनी है, यकुम सितंबर से दिसंबर 31, मतलब 4 महीने की अकाउंटिंग करनी है सैलरी के अंदर, डन। अब आ जाओ हम लिखेंगे जनाब फॉर द पीरियड एंडेड 31 दिसंबर 2013। अच्छा, एक हम जो है ना वो उसमें लाइन मार देते हैं, सिंबल में आया ना, उमेश राजपूत एंटर होना चाहते हैं, उमेश भाई को हम वेलकम करते हैं जी, ड्रॉ में होगा, और ड्रॉ में शेप्स में लाइन मिल गई। मैं सब तो माइक म्यूट कर दो, अगर शोर बहुत है तो। तुम लोग फॉर्मेट बना लो रजिस्टर के अपने, मुझे टाइम लग रहा था लाइन खींचने में, ठीक है? यहाँ तो हमारी आ जाएगी डिस्क्रिप्शन। अब मैंने क्या बताया था कि यहाँ पे पहले पार्टनर का कॉलम, मिस्टर ए का कॉलम आ गया, डन। उसके बाद एक और आएगा मिस्टर बी का, टेढ़ा क्यों बनना है, चलो खैर बर्दाश्त कर लो, अभी मजा नहीं आ रहा मुझे, फिर भी हम सीधा ही बनाएंगे। छोटा बन गया मिस्टर ए, मिस्टर बी, और वो बैलेंस का कॉलम आ जाएगा, टोटल और बैलेंस का, छोटा बन गया। सेहत के लिए आज की बस एक लाइन और ड्रॉ कर लूं तो हम सवाल पढ़ के अपना काम शुरू कर देंगे। चल मेरा भाई उस गली, शाबाश, रुक जाओ, गया, गुड। अच्छा चलो हेडिंग जरा डलवाओ, ये लाल पीले पेन मैं सिर्फ इस्तेमाल कर रहा हूँ अपनी शौक के लिए, भाई तुम लोग ऐसे शौक मत रखा करो, ठीक है ना। डिस्क्रिप्शन, पहला पार्टनर कौन है, मिस्टर ए, दूसरा पार्टनर कौन है, मिस्टर बी, फिर क्या कॉलम आता है, फिर आता है टोटल,
फिर यहाँ पे हम क्या लिखते हैं बाबू, यहाँ हम लिखते हैं बैलेंस, डन। अच्छा जी, सबसे पहली चीज इसको मैं काम करते हैं, थोड़ा सा पीछे कर देते हैं ऐसे, हाथ से बेहतरीन हो गया। अच्छा, सबसे पहली चीज मुझे बताओ कि हम सबसे पहली चीज इसके अंदर क्या लिखते हैं, हम साल का नेट प्रॉफिट या नेट लॉस लिखते हैं। मुझे बताओ हमारे साल का नेट प्रॉफिट या नेट लॉस कितना है? 1000। कहाँ से पता चला? टोटल प्रॉफिट ऑफ द फर्म December 30, 2013 बॉस रुपीस 1000। गुड, शाबाश शाबाश पुत, चलो 1000 रुपए आ गए, डन। अच्छा, अब मुझे बताओ मैं कहाँ से बंटवारा शुरू करूँ। सवाल के अंदर पहली लाइन क्या लिखी जो हमने बनाई थी, मुझे भाई पहली मिलेगी इस तरीके से। हां भाई यार, मैं बाद में लूंगा क्लास, मैं जो है कि मार्केट में बिजी हुआ है। तो मार्केट में कुछ बोला क्लास खोलने का, घर जा भाई फोन से। सैलरी ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। ठीक है, सैलरी। अच्छा देखो, मिस्टर ए को कितनी सैलरी मिल रही है जनाब? मिस्टर ए के बारे में ही आपसे कहता है कि 3000 पर मंथ है। तो मुझे बताओ सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर कितने महीने से मल्टीप्लाई करूं? 4 से करेंगे 12000 बनेगा। और इसके लिए बी के लिए, बी के लिए करें 2500 पर मंथ। यस, कितने महीने से मल्टीप्लाई करूंगा? 4 मंथ्स। क्यों सर? क्योंकि सितंबर से हुआ दिसंबर तक तो दोनों को 4000 से। गुड। अच्छा, 3, 4, 12, 12000 इसके और 10000 इसके, डन। 12, 10 कितने होते हैं? 22। हजार पड़े हुए थे, 22 बांट दिए, कितने का नुकसान हो गया? 21000। अच्छा जी, उसके बाद क्या बोलते हैं बाबू अगले पॉइंट में हमें बताओ जरा ढूंढ के। फिर बोलते हैं जनाब के इंटरेस्ट इज पेड ऑन देयर कैपिटल एट 6% पर एनम। पर एनम का मतलब क्या होता है? पर एनम का मतलब होता है पूरे साल। पर एनम का क्या मतलब होता है? पर एनम का मतलब होता है पूरे साल। अब जो इंटरेस्ट की परसेंटेज अगर हमने इनके कैपिटल पे लगा दी तो ये पूरे साल के कैपिटल पे लग जाएगी, मतलब टोटल पूरे साल का इंटरेस्ट मेरे पास आ जाएगा। अब मुझे कितने महीनों का इंटरेस्ट चाहिए? 4 मंथ्स। क्यों? क्योंकि सितंबर में पार्टनरशिप फॉर्म हुई है और दिसंबर में ईयर एंड आ गया है। ईयर एंड के ऊपर मैं अपनी अकाउंटिंग कर रहा हूँ, तो मुझे जो भी डाटा चाहिए होगा वो याद रखना 4 महीने का चाहिए होगा। सवाल जब पढ़े हो ना तो 2-3 चीजें आप लोगों को अंडरलाइन करनी होगी। अगर पूरे सेशन मेरे साथ रहते हो तो एंड में पेपर सॉल्व करने की टेक्निक्स वगैरह मैं सब कुछ डिस्कस करूंगा। एक अच्छी वर्कशॉप रख लेंगे पूरे दिन के लिए बने, ठीक है ना? तो उसके अंदर मैं जो है ना तुम लोगों को बताऊंगा कि जनाब अगर आपने कोई सवाल रीड करना है तो उस सवाल को किस तरह रीड करना है, क्या क्या चीजें ऐसी जो आपने सवाल के अंदर अपनी हाईलाइट करनी होगी, डन। तो देखो, अब मुझे जो इंटरेस्ट चाहिए ना सवाल के अंदर वो मुझे चाहिए पूरे साल का। तो अगर मैं छोटी सी इधर वर्किंग बना दूं मार्कअप की, अगर मैं छोटी सी हमारे लिए वर्किंग बना दूं मार्कअप की, तो मुझे ये बताओ कि पहले जो पार्टनर है इसका कैपिटल कितना ओपनिंग, जरा निकालो मुझे ए और बी के निकाल, ए और बी के जरा निकाल के, तो फिर मैं बात करता हूँ। हाँ जी, चलो मैं निकलवा रहा हूँ। मिस्टर ए, मिस्टर बी। अच्छा, मिस्टर ए का कैपिटल कितना है सवाल के अंदर देखो जरा, सवाल के अंदर है 80000 और 90000, ठीक है। और इंटरेस्ट की परसेंटेज कितनी है? 6%। कितना? 6%।
अबे तुम लोग एक तो ढोलू बोलू जैसे लग रहे हो, एक साथ ही आवाज आ रही दोनों की, ढोलू बोलू। छह प्रतिशत इंटू फोर ओवर ट्वेल्व इंटू फोर ओवर ट्वेल्व, मुझे जरा बताओ आंसर क्या आता है, सही बताना गलत नहीं बढ़वाना। 1600 और 1800 आएगा ऐसा है? यस सर। अच्छा दो शून्य ऐसे आ गए, 6 6 12 और 13 14, चार यहाँ पे एक यहाँ पे, 1 2 3 3400 ऐसा है। अच्छा जी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, या तुम सवाल में मार्कअप का लफ्ज दिया हुआ तो मार्कअप ही इस्तेमाल कर लो, मार्कअप ऑन कैपिटल। इसको तुम रेफर कर सकते हो वर्किंग वन से, देखो मैंने वर्किंग वन मार्कअप की डन, ऐसा भी कर सकते हो और नीचे भी कर सकते हो उसके, लेकिन नीचे करोगे लंबी ना हो जाए, मैं जरा खोल खोल के वर्किंग करवाता हूँ हम लोगों को। अच्छा कितना कितना था हमारा, 1600 1800 3400। अच्छा मुझे बताओ कि वैसे ही नुकसान में चल रहे थे और हमारी जो है ना वो मजीद हालत खराब हो गई है, तो क्या सीन है? क्या 24400 ऐसा? अच्छा जी अब मुझे बताओ क्या बचा, अब बचा है हमारे पास बोनस, ठीक है बोनस बचा है हमारे पास। बोनस के लिए सवाल में क्या कहता है, बोनस के लिए जवाब जनाब आपसे सवाल के अंदर कहता है 5600 हो जाएगा मिस्टर बी को, मतलब ए को कोई बोनस नहीं मिलेगा, 0 5600 5600 बताओ। 30000 जबरदस्त। अच्छा अब मुझे बताओ कि रिमेनिंग लॉस किस रेशियो में बटेगा, 1:2 में बटेगा? यस। अब देखो रिमेनिंग लॉस टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज पर अग्रीड रेशो, इसके लिए छोटी सी वर्किंग टू कर लूँ इफ यू डोंट माइंड प्लीज। अच्छा वर्किंग नंबर टू मुझे बताओ रिमेनिंग लॉस कितना, रिमेनिंग लॉस जना आपके पास कोई 30000 रुपए का। अब मुझे बताओ कि इसको मैं ए और बी में बांटूं कैसे, मुझे बताओ इसको मैं ए और बी में कैसे बांटूं। देखो भाई अगर मैं बात करूं मुझे बांटना है ए के अंदर और बी के अंदर, अब इसका एक तरीका तो ये कि तुम्हें जो रेशोज दिए हुए ना उसका सबसे पहले आप क्या कर निकालो सम ऑफ रेशोज, सम ऑफ रेशो क्या बनेगा 1:2 तुम्हारे पास रेशो दिए हुए तो सम ऑफ रेशो क्या बनेगा बचपन वाली मैथ से ना 3 बनेगा, तो टोटल अगर मुझे एक चीज़ के 3 हिस्से करने हैं और 3 में से एक हिस्सा देना है ए को 2 हिस्से देने हैं बी को, तो टोटल कितने हिस्से हुए 3 हिस्से हुए। मुझे बताओ कि अगर किसके मुझे 3 हिस्से करने तो ए को कितना पहला हिस्सा, बाकी 2 हिस्से किसके बी के, तो अगर क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि 30000 को आप मल्टीप्लाई कर दो 1 से डिवाइड कर दो 3 से और मल्टीप्लाई कर दो 2 से डिवाइड कर दो 3 से, कितना बनता है बताओ, ये बनेगा 10000 रुपये और ये 20000 रुपये ऐसा। नुकसान इसलिए नेगेटिव में लिख रहा हूँ, पक्का समझ आई ना ये वाली कैलकुलेशन, कोई रॉकेट साइंस तो नहीं मारी मैंने? हाँ समझ आ गया पक्का, बढ़ू आगे? ओके ओके। अच्छा जी मुझे बताओ कि रिमेनिंग लॉस कितना है, 10000। मैं पेन चेंज कर रहा हूँ, तुम लोग बच करना, ब्लू पेन से पूरा आंसर करना, ब्लैक पेन से एडिंग डालना, इंटर वाले बच्चों के मार्क्स स्टार्ट दिए जाते हैं ऐसी छोटी छोटी बातों पे। अच्छा 30000 का नुकसान बढ़ गया, अब मुझे बताओ 30 से 30 कैंसिल हो गया, कुछ बचा? कुछ भी नहीं बचा माया, कुछ भी नहीं बचा। अच्छा जी मुझे ज़रा बता दो कि इनके हिस्से में नफ़ा नुकसान कितना आ रहा है। अच्छा और लगे हाथों ना एक चीज़ ये भी देख लेना, टैली कट जाएगा। मुझे बताओ 3600 और 2600 पॉजिटिव 2600 नेगेटिव, सही है 3600 पॉजिटिव और 2600 नेगेटिव, तो बताओ कितना आता है 1000। देखो टैली कर रहा होगा ये, ऐसे भी टैली कर जाएगा और वो ऊपर से नीचे लाओगे जब भी टैली कर जाएगा, ठीक है
ये तो हमारी समरी बन गई है, हमारी समरी का एक रिवीजन हो गया है, ठीक हो गया। अच्छा अब हमने क्या करना है जनाब, अब हमने आपका अलग अलग करना ये है कि हमें इस सवाल की रिक्वायरमेंट नंबर टू बनानी है, लेकिन रिक्वायरमेंट नंबर टू से मैं पहले चाह रहा हूँ कि तुम लोग इसकी जनरल एंट्री रिवाइज कर लो। अच्छा मुझे एक बात बताओ, हमने क्या पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था कि अगर हमने ये पढ़ा था कि अगर हमें प्रॉफिट होगा तो हम, और अगर करंट अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं तो प्रॉफिट होने से करंट अकाउंट बढ़ जाएंगे, क्योंकि इक्विटी इक्विटी बढ़ती है तो क्रेडिट पे जाती है, और अगर लॉस होगा तो इक्विटी क्या हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी, मतलब करंट अकाउंट डेबिट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। अब यहाँ पे एक पार्टनर को प्रॉफिट हो रहा है, एक पार्टनर को नुकसान हो रहा है, जरा दो मिनट लो और इसकी एंट्री मुझे बना कर दो। शाबाश। सर मिस्टर एक अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस आएगा 36,000 से डेबिट। 36,000 नहीं, 3600 है बेटा। ओ पीसी बंद हो गया मेरा। हेलो स्क्रीन चली गई थी मेरी? नहीं। अच्छा सही, ठीक है। जनरल अब देखो मैं जो है ना डायरेक्ट फॉर्मेट नहीं बना रहा, मैं सिर्फ एंट्री बना रहा हूँ सबसे पहली ए के लिए, ठीक है ना। और ये देखो एंट्री के अंदर डेट ना लिख देना 31/12/14, ठीक है, वो प्यार से पूरी डेट डाल देना। अच्छा प्रॉफिट हो रहा है ना, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट मिस्टर ए का करंट अकाउंट क्रेडिट 3600 से, इसके लिए उल्टा सीन हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट, ये पीएनएल में लिख रहा हूँ ना, तुमने पूरा लिखना है, देखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पूरा लिखना है पेपर में, डन। मैं पीएनएल शॉर्ट में यूज करता हूँ, पक्का समझी भी हो? अच्छा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा कितने से, 2600 से, और मिस्टर बी का करंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा। अच्छा ये तो हमारा सारा रिवीजन हो गया एक अच्छे से, आपने एक अच्छा सवाल करा दिया और हमें सब कुछ रिवाइज हो गया। अब इसकी जो अगली रिक्वायरमेंट है कि यार आप टी अकाउंट बना के दो, वो टी अकाउंट कैसे बनेंगे। अच्छा देखो सबसे पहले एक काम करो, टी अकाउंट बनाने से पहले ना हम एक चीज़ रिवाइज कर लेते हैं। मुझे एक बात बताओ कि बचपन में जब तुम अकाउंटिंग पढ़ते थे फर्स्ट ईयर में, तुम बहुत छोटे थे, तो तुम्हारे टीचर ने तुम्हें एक बात सिखाई होगी, तुम्हारे टीचर ने बोला होगा बेटा अगर मैं आपको एक सवाल दूं और आपको मैं मिस्टर ए का कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए दूं, इस सवाल से ऐसा कोई लिंक नहीं है, रिवीजन करवा रहा हूं, तो बेटा मुझे बताओ कि मिस्टर ए ने बिजनेस स्टार्ट किया है 10,000 रुपये से। आप बोलोगे ओ कैश से बिजनेस स्टार्ट किया है 10,000 रुपये से, आप तो ऐसे ही डालोगे, मतलब क्या करोगे आप, एक सेकेंड सॉरी कैपिटल यहाँ क्रिएट हो जाएगा, यकुम जनवरी 2010 की बात करो, कैश 10,000, क्यों आपने एंट्री क्या पास की होगी, आपने एंट्री पास की होगी कैश डेबिट कैपिटल क्रेडिट, मतलब ये बिजनेस में पैसा आ गया 10,000 रुपये से, तो आपने क्या करा कैपिटल के अकाउंट में कैश को क्रेडिट कर दिया, इस तरह से ऐसा करते थे ना। अच्छा फिर आपके टीचर ने आपको बोला भाई एक और एंट्री बनाओ, चलो आपने बोला क्या बनाओ उस्ताद, टीचर ने बोला ये तो उसके अगले ही दिन बिजनेस के अंदर फर्नीचर भी लेकर आ गया, आपने बोला अच्छा फर्नीचर भी लेकर आया है, तो आपने एंट्री क्या बनाई होगी फर्नीचर डेबिट कैपिटल क्रेडिट, तो आपने 2,000 का फर्नीचर भी डेबिट कर दिया। फिर आपकी टीचर ने आपको बोला बेटा इसने ड्राइंग करी है फॉर पर्सनल यूज ₹6,000 की, ठीक है ना, ड्राइंग करिए पर्सनल यूज के लिए 6,000 की, जिसमें 4,000 का फर्नीचर लेके 2,000 का फर्नीचर ले गया और 4,000 जो बाकी के 4,000 थे वो कैश ले गया, तो आप क्या करोगे, आप ऑल इन ऑल ड्राइंग को डेबिट कर दोगे रिगार्डलेस के वो क्या क्या निकाल के लेके गए 4,000 को, तो आप क्या करोगे ड्राइंग को डेबिट कर दोगे, ठीक है ना, कितने से 6,000 से कर लेते हैं। अच्छा फिर आपकी टीचर ने आपको बोला बेटा इसके बिजनेस से प्रॉफिट कमाया है और जो है ना उसको कहीं से मतलब प्रॉफिट वगैरह मिला है, तो आप क्या करोगे, आप जो है ना मतलब यहाँ पे प्रॉफिट भी डाल दोगे इसका इसी कैपिटल अकाउंट में तकरीबन 1,000 रुपये से, तो मुझे बताओ कि कैरी डाउन कितना आएगा, ये कुछ लोग सीडी के नाम से पढ़ते हैं,
कुछ लोग कैरी फॉरवर्ड के नाम से पढ़ते हैं, लेकिन बेहतर अप्रोच सीडी लिख लो। कैरी डाउन बैलेंस इसका कितना आएगा मुझे बताओ, 10 जमा 2 जमा 1 कितना, 13000, 13 माइनस 6 कितना बनता है 7000। yes. तो ये 7000 इसके कैपिटल के अकाउंट का बैलेंस हुआ करता था। ये तो हमारी हो गई एक सॉर्ट ऑफ रिविजन, ठीक है ना। अब अगर मैं इस सवाल की बात करूं और इस सवाल के अंदर रिक्वायरमेंट नंबर बी में मुझे बोलता है कि आप मुझे बना कर दो कैपिटल अकाउंट, सॉरी कैपिटल अकाउंट नहीं, क्या रिक्वायरमेंट नंबर 2, टी अकाउंट किसके, मिस्टर ए का और मिस्टर बी का। अब भी बना देते, कोई मसले वाली बात है नहीं, अब तो हमें बहुत अच्छे से रिवाइज हो गया, हम तो अब घोड़े पे सवार रहेंगे और काम करके चले आएंगे। और टेढ़ा बना दिया मैंने, चलो सीधा कर देता हूँ बात में। चलो ना रेजर, अरे रूलर नहीं तुम, नहीं यार अच्छा जी मिस्टर बी मुझे बताओ इनका ओपनिंग कैपिटल कितना था। 1080 मिस्टर डी का करंट अकाउंट, मिस्टर बी का करंट अकाउंट है ये, डन। 80000 90000 था, यानी इसका 90 और इसका 80। मुझे बताओ अगर अगर मुझे बताओ कि अगर प्रॉफिट आएगा और लॉस आएगा तो यहाँ कैपिटल पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और यहाँ कैपिटल पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, मतलब बताओ। प्रॉफिट आएगा तो कैपिटल बढ़ जाएगा, लॉस आएगा तो कैपिटल कम हो जाएगा, ऐसा है? लॉस आएगा तो कम, बिल्कुल ऐसा है ना। तो हम इस सवाल को, हम इस चीज सवाल को इधर अप्लाई कर लेते हैं। मुझे बताओ कि एयर एंड पे दोनों के पास नफा नुकसान कितना आया, ए को प्रॉफिट आया 3600 का, तो इससे इसका कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा। बी को नुकसान हुआ था 2600 का लॉस, तो इससे इसका कैपिटल अकाउंट क्या कम हो जाएगा। अच्छा मुझे मुझे बाकी तुम ये बताओ, अल्लाह भला करे कि अपना क्या बता रहा था मैं, भूल गया यार। मुझे बताओ कि इन्होंने ड्राइंग कितनी करी है, कितनी कितनी ड्राइंग करी है? 1000 ने करी, और 2000 बी ने, इससे बी ने 2000। अच्छा टोटल करो 80 और 3000 600 85,600। अगर तुम ये कहे कि तुम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का भी टी अकाउंट बना कर दो तो क्या करोगे? प्रॉफिट एंड लॉस का टी अकाउंट सही कैसे करेंगे बताओ। चलो एंट्रीज देख लो, एंट्रीज देख लो। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पहले क्या हुआ, डेबिट हुआ है 3600 से मिस्टर ए के नाम पे, तो उसको भाई डेबिट कर दो 3600 से मिस्टर ए के नाम पे, मिस्टर ए का करंट अकाउंट सी ए पूरा लिखना। फिर क्या हुआ है, 2600 से एक क्रेडिट हुआ है मिस्टर बी के करंट अकाउंट के नाम पे। कैरी डाउन क्या आ रहा है, 1000 आ रहा है, मतलब 1000 रुपये बचने चाहिए, जो तुम्हारे पास प्रॉफिट था तो तुमने बांटा है कुछ मिला के जुला जुला के, ये देखो 1000 रुपये टैली हो रहे हैं यहाँ से। मस्त, यस सर। अच्छा आओ एक कॉन्सेप्ट और खेलते हैं, कॉन्सेप्ट चल रहा है, बड़ा मजा आ रहा है कैपिटल अकाउंट पढ़ने में हमें, तो हम इसके ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ओके वेट करो, मैं पानी की बोतल लेकर आ रहा हूँ, और तुम लोग जरा एक हेडिंग कॉपी कर लो यहाँ से, कॉन्सेप्ट ऑफ ओपनिंग एंड एंडिंग कैपिटल। मैं तुम्हें अभी बातों बातों में करवा चुका हूँ वाली बात, पता है, लेकिन ऐसी मस्ती के लिए दोबारा रिवाइज करेंगे ताकि तुम लोग से सवाल सॉल्व हो जाए बाकी।
चलो करो कॉपी। ओपनिंग एंड एंडिंग चैप्टर एंड सर ये जो आपने बोलिए जो सन्ने मार्केट पर बेस का हमने कैलकुलेटर में किसने किया हाँ भाई बच्चों सर हाँ जी तो तैयार हो शुरू करें। अच्छा जी यार ये ओपनिंग एंडिंग कैपिटल क्या होता है जरा इसके ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ओपनिंग कैपिटल क्या होता है जरा मुझे बताओगे थोड़ा सा एलैबोरेट कर दो मेरी नॉलेज में इजाफा कर दो। फर्म स्टार्ट हुई थी तो जिन्होंने जिन्होंने जितनी इन्वेस्टमेंट की थी जो जो की थी वही ओपनिंग ये भी देखते हो एक एक तरह से ये भी ओपनिंग कैपिटल होता है। दूसरा ओपनिंग कैपिटल पता क्या होता है कि मिसाल के तौर पे तुमने कारोबार स्टार्ट किया है अपना 1 जनवरी 2015 को ठीक है ना तो अब जो 31 दिसंबर 2015 का क्लोजिंग कैपिटल होगा ना वो 2016 का ओपनिंग होगा। इसकी मिसाल ऐसी है कि जैसे तुम्हारे जो है ना वो घर में एक शोरूम है ठीक है ना मतलब जो है ना वो गोडाउन है मिल गया बैठा इधर अच्छा उछला गया एक सेकंड रुको अच्छा तो मैं तुम्हें ये कह रहा था कि मिसाल के तौर पर तुम्हारे घर में ना एक गोडाउन है। अब गोडाउन के अंदर क्या हुआ कि तुमने जो है ना वो 1 जनवरी को माल ला के रखा 50,000 रुपये का तुमने पूरे साल कारोबार करा खरीदा बेचा अब वो 30,000 रुपये का माल तुम्हारे गोडाउन में ना आज 31 दिसंबर 2015 की रात को पड़ा हुआ है। तो ये तुम्हारा 31 दिसंबर 2015 का क्लोजिंग बैलेंस है। अब जब तुम 2016 की सुबह उठोगी तो तुम्हारे लिए क्या हो जाएगा ओपनिंग बन जाएगा 2016 का। तो एयर टू एयर डिपेंड करता है कि क्या क्लोजिंग है और क्या ओपनिंग है ठीक है ना। अच्छा तो इसी तरह कैपिटल का कॉन्सेप्ट भी है। जिस दिन आपने बिजनेस पे पैसा लगाया माल लगाया वो आपका ओपनिंग कैपिटल है। साल खत्म हुआ ठीक है ना वो आपका क्लोजिंग बन गया उस साल का फिर वो अगले साल का क्या बन जाएगा ओपनिंग बन जाएगा। तो मिसाल के तौर पे अगर मैं आपसे बात करूं ये एक पार्टनर का कैपिटल अकाउंट है 2015 में उसने कैश वगैरह डाला 10,000 रुपये का देन उसके बाद उसने ड्राइंग करी कितना 2,000 की
उसका कैरी डाउन बैलेंस कितना आया? 8000 आया। तो ये 2015 का मुझे बताओ ओपनिंग क्लोजिंग क्या है? ये ओपनिंग है? यस। और ये क्या है? क्लोजिंग है। डन। ये ओपनिंग है और ये क्लोजिंग है। इसी तरह से अगर मैं बात करूं तुमसे 2016 की, अब ये 2016 का ओपनिंग क्या होगा मुझे बताओ? 8000। ड्राइंग अगर ये बंदा करता है 1000 की, तो ये कैरी डाउन कितना बन जाएगा? 7000। तो ये क्या बन गया? क्लोजिंग 2016 का, और ये क्या बन गया? ओपनिंग बन गया। अच्छा, अब कभी कभार होता क्या है, वो तुम्हें सवाल के अंदर कहेगा कि भाई आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस मैंने दे दिया है, आप सिर्फ बाट और एंट्री बनाओ, मतलब आप समरी ना बनाओ, मैंने आपको प्रॉफिट भी दे दिया है, ठीक है ना? आप क्या करो, या तो पहले समरी आपसे बनवाएगा, पूरी समरी बनाओ, और जो रिमेनिंग प्रॉफिट है ना वो आपने बांटना है इन द रेशियो ऑफ ओपनिंग कैपिटल, या तो वो कहेगा कि इन द रेशियो ऑफ क्लोजिंग कैपिटल, या तो वो कहेगा इन द रेशियो ऑफ एवरेज कैपिटल। अगर या तो बोलेगा इक्वली, इक्वली तो बहुत आसान है, क्या करोगे आप, डिवाइड बाय 2 कर दो प्रॉफिट को। अगर वो बोले ओपनिंग कैपिटल रेशो में, तो आप दोनों के ओपनिंग कैपिटल रखोगे, उसके रेशो निकालोगे, पैसे बांट दोगे। अगर वो बोले क्लोजिंग कैपिटल के रेशो में, तो आप दोनों के क्लोजिंग कैपिटल निकाल रखोगे, उनके रेशो निकालोगे, और उसका पैसा सारा का सारा बांट दोगे और एंट्री बना दोगे, जैसे हमने सीखा हुआ है। समरी वैसी बनेगी, बांटने का तरीका डिफरेंट होगा। मिसाल के तौर पर अगर मुझे बताओ कि वो कहता है आपसे सवाल के अंदर कि 2016 का प्रॉफिट है 80000 रुपये, और ये आपसे रिक्वायरमेंट में कहता है कि आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो इन द रेशो ऑफ ओपनिंग कैपिटल या इन द रेशो ऑफ क्लोजिंग कैपिटल 2016 का, मुझे बताओ कैसे सॉल्व करोगे इसको? अगर मैं ओपनिंग कैपिटल को रख के सॉल्व करूं, तो मैं बोलूंगा जनाब 30000 रुपये का तो नहीं, 80000 रुपये का तो मेरे पास क्या है, प्रॉफिट है। डन। अब मुझे निकालने इनके कैपिटल के रेशोस, रेशोस कैसे निकलेंगे? बचपन वाला तरीका, मुझे बताओ ए इज टू बी, ऐसा है, ए का ओपनिंग कैपिटल कितना है? 8000 और 7000, 8000 और नहीं 8000 है, ठीक है। अच्छा, मैंने बी का नहीं बनाया हुआ ना, चलो मैं बी का ही बना लूँ, तो मैंने सिर्फ ए का बनाया है। मिसाल के तौर पर ये ए है, और अच्छा देखो, हो सकता है हमारी मीटिंग जो है ना वो 10 मिनट में एंड हो जाए, फिर मुझे दोबारा बनानी पड़े, या तो मैं कोशिश करता हूँ इसको 10 मिनट में ख़त्म कर दूँ, क्योंकि ये फ्री वर्जन चला रहा हूँ मैं पढ़ाने के लिए। बी का कैपिटल मिसाल के तौर पर 2015 में जो भी था हिसाब किताब, 2016 की बात कर रहा हूँ मैं, 2016 में इसके पास यहाँ पे 6000 है और क्लोजिंग इसके पास है 5000। मैं सिर्फ ओपनिंग करा रहा हूँ, क्लोजिंग खुद कर लेना, ठीक है ना? अगर मुझे बताओ इसका ओपनिंग कैपिटल यहाँ पे अगर 8000 है और इसका कितना है 6000, तो मुझे जो पैसा बांटना है इनको किस रेशो में बांटना है? 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, 2 4 8, 2 3 6, 4:3 में बांटना है। या तो तुम जो है ना वो ऐसे भी करते हो, क्या करोगे भाई, कैलकुलेटर खोलो, कैलकुलेटर मेरा ख़राब चल रहा है वाला, अपना कोई अच्छा कैलकुलेटर निकाल लो, उसके ऊपर क्या करना है तुम लोगों ने, वो एक ये बटन बना हुआ आ रहा होता है उसके ऊपर, कैलकुलेटर के ऊपर अपॉन का ना, तो उस पर जाओ, अरे मिटो ना, उस पर जाके तुम अगर लिखोगे ना 8000 डिवाइड बाई 6000 ऐसा वाला, तो वो तुम्हें डायरेक्ट 4:3 आंसर दे देगा, 4/3 देगा, इसका मतलब 4:3 होता है। तो तुम क्या करो, 4:3 से इसको सॉल्व कर लो। मिसाल के तौर पर मेरे पास रेशोज आ गए, अब प्रॉफिट कितना है 80000, 80000 प्रॉफिट है, 80000 का सम ऑफ रेशो क्या है, 7 × 4/3 × 3/7, कैसा बांट दो, खत्म हो गई बात, कहाँ नहीं खत्म। इस तरह ओपनिंग करा दिए, क्लोजिंग इस तरह कर लेना, एवरेज कैपिटल भी तुम लोग से हो जाएगा, लेकिन जब मैं कराऊंगा जब होगा भी नहीं होगा, ठीक है ना? अच्छा, तो इसी बात पे चलो एक अच्छा सा होमवर्क लिख लो आज, 2017 का सवाल नंबर 8, तीनों किस्त तुमने करना है और एंट्री बनानी है। डन। उसके बाद आपने करना है 2000 का सवाल नंबर 3, अच्छा फिर इसके बाद आपने करना है 2016 रेगुलर एंड प्राइवेट, इसके बाद 2014 प्राइवेट सवाल नंबर 3,
काफी अच्छे सेहत के लिए, या और दूं? काफी है सर। काफी है ना, चलो ये कर लो तुम लोगों की सेहत के लिए, ये हम लोग का होमवर्क है, नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट जो लेना है ले लो, मैं इसका स्नैप लेकर जो है ना तुम लोगों के साथ वो ग्रुप पे भी शेयर कर लेता हूँ। ओके बताओ समझ आया आज? यस सर। सर सर मुश्किल है आसान है? सर इजी है सर। ये आपने मार्कअप कैसे लिया है, कैलकुलेट में तो आ ही नहीं रहा, वैल्यू ज्यादा आ रही है। ये जो आपने 80,000 और 90,000 का लिया है, 80 और 90,000 मैंने कहा लिया? मैंने तो ये 8,000 और 6,000 लिया है। अब लिखो 80,000, कैलकुलेटर पे ऐसे लिख लो 80,000 मल्टीप्लाइड बाय 0.06 मल्टीप्लाई बाय 4/12, जब भी यही आएगा। सर ये ही 4/12 कैसे लिखेंगे सर, ये तो आ ही नहीं रहा। रुक जाओ, आ गया सर, आ गया, मैं डिवाइड कर रहा हूं। ना ये अच्छा वाला कैसे होगा, कैलकुलेटर ले लो, ठीक है ना? अब देखो उस पे मैं लिखता कैसे हूँ, 80 कितना था, 80,000 हाँ मल्टीप्लाई बाय 6%, 6 देखो मैंने 6 दबाया, अरे कैसे लाऊं कैमरे के आगे, 6 दबाया और फिर शिफ्ट दबा के ना ये परसेंटेज का एक बटन है वो दबा दिया, इनटू 4, ये देखो 4 ये रहा, फिर अपॉन के लिए ना एक बटन आएगा ऊपर से ब्लू वाले से नीचे, से नीचे ये अपॉन है, अपॉन दबाया या 1,2 लिखा, ये बेटा इक्वल टू कहते हैं इसको, कितना आ रहा है 1600 आ रहा है देखो। यस ये देखो डन। यस सर। जी सर। ठीक शू, पहले कहाँ से पढ़े थे तुम लोग अकाउंटिंग? सर सेंटर से पीपीएस से पढ़े थे। कहाँ से? पीपीएस। ये कहाँ है? पांच सर, हमारी तरफ है पांच नंबर की तरफ, कोरंगी पांच। कोरंगी पांच। खैर खैर खैर, चलो समझ आ रहा है ना, बाकी तो बताओ कोई मसला परेशानी पंगा प्रॉब्लम? सर। बस चलो अयाशी करो, पार्टी करो, आज क्या है मंडे है ना, हम कल क्लास नहीं रखेंगे, कल तुम लोग होमवर्क करो, आज भी होमवर्क करो, दो सवाल आज करो, दो सवाल कल करो, परसों क्लास रखते हैं, मूड हुआ तो देखते हैं, ठीक है? और तुम लोग का इस टॉपिक की अब तीसरी और आखिरी क्लास होगी, लास्ट टॉपिक खत्म। कैसा, तीन क्लास में टॉपिक खत्म सारे पास पेपर? अब हम देख लेंगे 2018 और 2019 में क्या आया है पास पेपर के अंदर, अगर डिस्ट्रीब्यूशन से कोई सवाल आया तो उसको भी देख लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, डन। Yes, sir. बस चलो ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।